यहाँ पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अम्ब्रेला कुर्ती बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। तो देखिए, अम्ब्रेला कुर्ती बनाने के लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है। यह हमारे कपड़े की लंबाई है और यह हमारे कपड़े की चौड़ाई है। तो देखिए, लंबाई में से कपड़ा मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको यह कपड़ा नाप के दिखा दूँ। ये देखिए, हमारे कपड़े की लंबाई 39 इंच है, तो 39 को हम डबल करते हैं तो 2 मीटर हो जाता है। लेकिन इस कपड़े का पन्ना बड़ा है, इसलिए मैंने 2 मीटर लिया है। अगर आपका नॉर्मल पन्ने वाला कपड़ा है तो आपको 2.5 मीटर कपड़ा लेना है। अब देखिए, हम इसको इस तरीके से रखेंगे। हमारे कपड़े का जो पन्ना है वो बड़ा है, तो इसलिए हम कुर्ती की जो लंबाई है वो चौड़ाई में से रखेंगे और जो कुर्ती का घेर है वो हम लंबाई में से रखेंगे। इसमें प्रिंट एक जैसा है, तो आप किसी भी तरीके से कुर्ती बना सकते हैं। सबसे पहले आप कुर्ती का मेजरमेंट देख लीजिए। 13 इंच का शोल्डर है, 40 इंच की चेस्ट है, 32 इंच कमर है, 46 इंच की लेंथ है, 18 इंच की हम स्लीव बनाएंगे। तो मैं इसी मेजरमेंट के हिसाब से अपनी कुर्ती की कटिंग करूँगी। आपको अपने मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करनी है। तो चलिए, हम कटिंग करना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे कपड़े की बंद वाली साइड है और उधर हमारे कपड़े की खुले वाली साइड है। तो बंद वाली साइड से हम कपड़े को तिरछे में फोल्ड करेंगे। तिरछे में आप अपनी अम्ब्रेला कुर्ती बनाएंगे तो फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आएगी और घेर भी ज़्यादा आएगा। इसमें कम कपड़े में ही बहुत घेर वाली कुर्ती आप बना सकते हो तिरछे में। तो यहाँ से हम इसको ऐसे तिरछे में फोल्ड करेंगे। और इसके बाद में देखिए, सबसे पहले हम अपनी कुर्ती की जो लेंथ है उसके लिए मार्क करेंगे। हमारी कुर्ती की जो लेंथ है वो 46 इंच है, तो एक मार्क 46 इंच पे करेंगे। 1 से 1.5 इंच हमने सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। नीचे भी हमने 1 इंच मार्जिन रखा है। अब हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। शोल्डर हमारा 13 इंच है, तो 13 का 6.5 होता है। आधा इंच हमने सिलाई के लिए मार्जिन लिया है, तो 7 इंच पे लगाया है। नीचे की तरफ हम 7.5 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच का हम शोल्डर में शेप देंगे। अब हम अपनी चेस्ट का चौथाई भाग लेंगे। चेस्ट 40 इंच है, तो 40 का चौथाई भाग 10 इंच लेंगे। इसके बाद हम आर्म होल का शेप देंगे। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 6.5 पे और इसको ऐसे तिरछे में मिला देंगे। और यहाँ पे ये बैक फ्रंट वाला आर्म होल है और ये बैक वाला आर्म होल है। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे 7 इंच पे। यहाँ पे हम कमर का चौथाई भाग लेंगे। कमर हमारी 32 है, तो 32 का चौथाई भाग 8 इंच लेंगे। और इसमें हम यहाँ पर 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इसे ऐसे मिला देंगे। अब हम देखिए, जो बाहर वाला मार्क है इस पे से हम यहाँ इस कॉर्नर पे तिरछा मिला देंगे। तो ये मैंने तिरछा मिला दिया है। अब नीचे से हम गुलाई देंगे। तो देखिए, हमारी कुर्ती का जो बीच वाला एरिया है वो थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा और साइड से थोड़ी सी शॉर्ट रहेगी। तो यहाँ पे हम गुलाई में इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ से ये थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा और ये वाला एरिया थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हम बैक वाले आर्म होल पे से कटिंग करेंगे। देखिए, यहाँ से बाहर वाली लाइन पे से। इसके बाद में हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, ये मैंने कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट वाले आर्म होल पे गहराई देंगे, थोड़ी सी शोल्डर पे शेप देंगे और बैक वाले हिस्से को हम निकाल देंगे। और अब हम ये फ्रंट वाले आर्म होल में गहराई देंगे। देखिए, तो ये हमने बैक और फ्रंट दोनों की कटिंग कर ली है, या आप देख सकते हो।
अब इसके बाद में हम सिलियों की कटिंग करेंगे, तो सिलियों भी हम ओरियो कपड़े में से ही बनाएंगे। देखिए इस तरह से ओरियो कपड़े में से ही हम सिलियों बनाएंगे। तो सबसे पहले हम नीचे की जो चौड़ाई है उसका माप लेंगे। तो नीचे से हम सिलियों रखेंगे 10 इंच, तो 10 का आधा 5 इंच लेंगे, 1 इंच हम सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लेंगे। इसके बाद हम अपनी सिलियों की जो लेंथ है उसके लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमारी सिलियों की लेंथ है 18 इंच तैयार रहेगी, और 2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे जो ऊपर और नीचे दोनों साइड की सिलाई के लिए। इसके बाद में हम अपनी सिलियों की जो यहाँ पे जो शेप है वो हम 2.5 इंच यहाँ से इसको डाउन करेंगे। इसके बाद में यहाँ से हम सिलियों की जो लूजिंग है वो रखेंगे 9 इंच, और इसमें 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इसे हम इस तरीके से मिला देंगे। ये देखिए, और अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब हम सिलियों के जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसमें हल्की सी गहराई देंगे, ये देखिए, और ये हमारी दोनों साइड की सिलियों की कटिंग हो गई है। और ये हमारी कुर्ती का बैक और फ्रंट है, ये आप देख सकते हो। अब हम इसकी नॉर्मल तरीके से स्टिचिंग करेंगे, जैसे कि हम अपनी नॉर्मल कुर्ती की स्टिचिंग करते हैं, और इसको नीचे तक हम बंद रखेंगे, यानी कि हमारी गोल कुर्ती बनेगी जैसे कि अम्ब्रेला कुर्ती होती है। और दोनों साइड की ये हमारी सिलियों हैं, आप देख सकते हो। अब हम इसका जो नेक है उसकी भी कटिंग करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप डीप नेक पहनते हो तो आप डीप नेक की कटिंग कर सकते हैं, मैं अपने नॉर्मल नेक की कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए नेक की जो गहराई है वो मैं 6 इंच रखूँगी, तैयार होने के बाद में ये 6.5 इंच रहेगी, और चौड़ाई में 2.5 इंच ले रही हूँ, तैयार होने के बाद में 3 इंच हो जाएगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी सिलाई में दबेगी तो नेक की चौड़ाई और लंबाई बढ़ जाएगी। तो ये मैं नॉर्मल नेक की कटिंग कर रही हूँ, आप देख सकते हो। अगर आप डीप नेक पहनते हो तो डीप नेक की कटिंग भी कर सकते हैं। और ये हमने कटिंग कंप्लीट कर ली है, आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने आपको ये कुर्ती की कटिंग करना बताया है। आप इस तरीके से अपनी अम्ब्रेला कुर्ती बना सकते हो। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। तो देखिए नॉर्मली स्टिचिंग है, तो मैंने इसकी स्टिचिंग आपको नहीं दिखाई है, तो स्टिचिंग होने के बाद में इस तरीके से दिखेगी, और ये पहनने के बाद में इस तरीके से दिखेगी। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो पे लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी है, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल